टू आपके अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक्स है प्रोबेबिलिटी, जो कि आपका 9th, 10th, 11th, 12th में ये कवर हो जाता है, या आपको एग्ज़ाम में भी कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी मीन्स होता क्या है। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है चांसेस। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपके पास होने के चांसेस क्या है, आपके 90% मार्क्स आने के चांसेस क्या है, तो यहाँ पे हम जो भी चांसेस काउंट करते हैं वो परसेंट के हिसाब से, कि इतना परसेंट काम हो सकता है, इतना नहीं हो सकता है। या फिर आप कभी ऐसा बोलते हो कि वेदर के बारे में कि आज बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, तो ये क्या चांसेस है कि हाँ कितने चांसेस बारिश होने के हैं या कितने चांसेस नहीं है। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी कोई भी फाइंड करना है, कोई भी एक इवेंट हम ले लेते हैं और प्रोबेबिलिटी हम उस फाइंड कैसे करते हैं, हम उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सपोज करो हम यहाँ पे कोई भी एक इवेंट ले लेते हैं, इवेंट ई। अगर इस इवेंट ई का हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो, सो पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, राइट, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ई। इवेंट ई का जितना भी फेवरेबल आउटकम्स होगा वो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, या हम ऐसा कह सकते हैं टोटल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स क्या है, ये फॉर्मूला है हमारा। इस फॉर्मूले आप ये एक चीज जरूर याद रखना कि जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ऑलवेज 0, 1 के बीच में होती है, इंक्लूडिंग टू 0, 1। तो ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है उसे हम लिख सकते हैं कि 0 > P of E इज ए less than and equal to 1। जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0 और 1 के क्लोज इंटरवल में होता है। अगर यहाँ पे हम ऐसा लिखना चाहें तो पी ऑफ ई बिलोंग्स टू 0, 1, ऐसा हम लिख सकते हैं कि पी ऑफ ई जो वैल्यू होगा वो उसका रेंज जो होगा वो 0 और 1 इंक्लूडिंग के साथ में होगा। दूसरा भी यहाँ पे फाइंड करते हैं कि इवेंट कितने टाइप के होते हैं। इवेंट तुम्हारे 2 टाइप्स के होते हैं आपके। अगर हम फर्स्ट इवेंट की बात करें तो उसे हम प्राइमरी इवेंट या फिर एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट का मतलब हो गया कि कोई भी इवेंट जो दिया गया हो आपको उसका फेवरेबल आउटकम्स ओनली 1 हो। जिसका फेवरेबल आउटकम्स ओनली 1 होता है, इफ एनी इवेंट हैज ओनली 1 फेवरेबल आउटकम्स इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट, उसे हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लूँ नंबर 1, 2, 3 और मैं यहाँ पे बोलूँ कि ऐसा नंबर फाइंड करो कि जो प्राइम भी हो और इवन भी हो। ऐसा नंबर इन तीनों में से कोई भी एक नंबर ऐसा सिलेक्ट करो, या कोई भी नंबर सिलेक्ट करो इसमें जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो अगर हम यहाँ पे फाइंड करते हैं तो 2 आ गया है। तो इसका जो हमने जो इवेंट बोला है उस इवेंट का 2 है, यानी कितना नंबर हो गया ये 1, यानी टोटल इसका फेवरेबल आउटकम्स जो है वो 1 है। इसी तरह से
अगर हमें पूछा जाता है कि इफ यहाँ पे जितने भी नंबर से अलग अलग सभी को हम एलिमेंट्री एंगल एलिमेंट्री इवेंट कह सकते हैं कि वन अगर लिया जाए चूज वन चूज टू चूज थ्री, इस तरह से अगर अलग अलग नंबर आप चूज करते हो तो इन तीनों का भी वन 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 आउटकम्स होगा, फेवरेबल आउटकम्स होगा। दैट मीन्स इनका अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो फर्स्ट का आ जाएगा 1/3 बिकॉज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 3, एंड अगर आप 1 चूज करते हो तो 1 का आउटकम्स हो गया फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गया। इसी तरह से 2 का भी 1 होगा तो ये भी आ जाएगा 1/3, और 3 का अगर आप फाइंड करते हो इसका भी आ जाएगा 1/3। अगर इन सब का आप प्लस करते हो तो 3/3 फाइन होगा, दैट मीन्स ये हो गया 1। तो ऐसा हम कह सकते हैं द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री द प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इज 1। द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इज 1, राइट। कोई भी हमें एलिमेंट्री इवेंट दिया गया उन सब का अगर आप प्लस करते हो, टोटल प्लस करते हो सभी एलिमेंट्री का, तो आपको 1 फाइन होगा। इसी तरह से आपको सेकेंड दिया गया है, जो सेकेंड इवेंट होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हम किसको कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जैसे कि आप कोई भी इवेंट ले लेते हो ए, हमने यहाँ पे इवेंट ए ले लिया, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा वो होगा नॉट इवेंट ए, इवेंट ए और उसका नॉट इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट्री होगा, या ऐसा हम कह सकते हैं कि नॉट इवेंट ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कि एक दूसरे का नहीं हो, ये दोनों अलग अलग हो। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कोई भी एक हम एग्जांपल ले लेते हैं तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री हम किसे कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पे मैंने 6 तक नंबर ले लिया तो टोटल आउटकम्स हो गया आपका 6। अब यहाँ पे आपको बोला जाता है कि ऐसे नंबर सेलेक्ट करो जो इवन है, तो इवन नंबर अगर आप सेलेक्ट करते हो तो 2, 4 और 6, ये टोटल फेवरेबल आउटकम्स आपका 3 हो गया। अगर मैं यही बोल दूँ कि नॉट इवन, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि नॉट इवन नंबर चूज करो तो क्या होगा, 1, 3 और 5, ये आपका आ जाएगा 3 ये भी, राइट। तो जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के प्रोबेबिलिटी को आप प्लस करते हो तो ऑलवेज उनका एडिशन 1 होता है। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं, ये हमने एग्जांपल लिया, दूसरा हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को लिखते कैसे हैं, सो पी ऑफ ए, सपोज करो कि हमने ए यहाँ पे एज्यूम किया हुआ इवेंट है, तो पी ऑफ ए प्लस P of A bar, not A को, not event A को हम A bar लिखते हैं, is equal to 1। दोनों complementary, जैसे आप complementary angle करते थे कि complementary angle each other एक दूसरे के होते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे complementary event जो है इनका probability आप अगर check करते हो तो दोनों का addition 1 होगा। अब इस पर से आप दोनों में से किसी एक अगर आपको दिया गया तो सेकेंड आप फाइंड कर सकते हो।